आ रहे हैं बजीरगंज। मैं सिर्फ शिवानी सागर। पीएससी होता है प्राइवेट। हाय हाय गाइस, बोलो ना। सुनो सांड, सांड नहीं है ये, सांड नहीं है। रुक जाओ, वजीरगंज है ना, वजीरगंज जा रहे हैं अपन लोग कम्युनिटी गेट पे। हम लोग जा रहे हैं, आया करो, आया करो, तुम भी आया करो। अरे भाई इधर देखो यार, वीडियो बन रहा है। इधर 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 बैठूंगी 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 कर रही है। बताओ हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग अभी बजरगंज आए हैं, पीएससी में आए हैं। मैं सिर्फ शिवानी सागर और हम बीएससी नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर है और यहाँ पे आज बजरगंज में सीएससी में इन लोगों को विजिट करवाने के लिए लेकर आए हैं, कम्युनिटी विजिट के लिए। और ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे बीएससी के बच्चे। तो बताओ हम लोग कहाँ पे पहुँचे? हम लोग सामुदायिक भवन बजरगंज में आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हम लोग कम्युनिटी विजिट के पर्पज से आए हुए हैं और यहाँ हम लोग तरह तरह के डिजीज वगैरह जो भी यहाँ है उसको पता करने आए हैं और उसका उपचार करेंगे। हम लोगों को सलाह देंगे कि उनको उनको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से उनका हेल्थ बेनिफिट हो सकता है और क्या क्या तरीका उनको फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा हेल्दी हो जाए। बताइए, आप कुछ बताइए। अभी हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आए हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब सब लोग जगह पे क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सा इलाज वगैरह हो रहा है। हम लोग को एक चार्ट मिला देखने को, चार्ट मिला क्या क्या आता है। हाँ, देयर आर सेवरल थिंग्स, लाइक मारपीट, वायलेंस हो गया, कास्ट, चलते हैं हम आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। वैसे तो ये जगह थोड़ी सी छोटी लग रही है बट देखते हैं फिर भी। हाँ, आप बने रहना वीडियो के साथ। बड़ा सा बोर्ड देखो, कोरोना का ट्रेनिंग की बात कर रहे हो तो हम लोग का ये चलता रहेगा अभी सफ़र, मतलब शाम तक तो हम लोग यहाँ पर रहने ही वाले हैं और इन्जॉय होने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें जैसे कि कई चीज़ें होती हैं जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हमें नहीं मिलती, मतलब गांव से जुड़ना वो हम यहाँ सीख पाएंगे। बस लोगों से हम मिलेंगे, पेशेंट्स के पास हम खुद आएँ, मतलब है कि उनसे बात करेंगे, उनको समझेंगे, उसको देखेंगे वो मेडिकल शॉप दिखाना छोटा वाला उनको। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है सीएचसी का। पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके नीचे जो फैसिलिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपीएचसी, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उसके नीचे जो फैसिलिटी होता है वो होता है एचएससी, हेल्थ सब सेंटर। तो ये लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ है, लेवल ऑफ सर्विसेज है। एक जनरल ओपीडी का कंसेप्ट है। जनरल ओपीडी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे
डॉक्टर्स बैठे हैं, है ना, और कोई भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे उसको देखेंगे यहाँ। ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, वार्ड या जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जेई वार्ड के रूप में भी रखते हैं, जिसमें आप सब चीज रखी है उससे रिलेटेड जो चाहिए ये प्रयोगशाल मेडिकल कॉलेज के इतना इक्विपमेंट तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और यहाँ पे हमने विजिट कर लिया, आपने देखा होगा कि वहाँ पे किस तरह का माहौल था, किस तरीके से समझा रहे थे हम लोग को, वो एक्चुअली में हेल्थ मैनेजर थे, जो पर्सन आपको समझा रहे थे वो हेल्थ मैनेजर थे, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हम लोग को और बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कॉल भी कर सकते हैं। बोल चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब मिल करके को लाइक और फॉलो करो, शेयर कर देना, शेयर कर देना होगा तब ना रे, अच्छा होगा तब ना, सही है, पलट गया कैमरामैन, सही है भाई को चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करो। अच्छा रुको, पूछे राहुल का कितना भाई, बोलो अपना भाई सारा भाई। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दशरथ मांझी पथ, देख रहे हो ये छेनी हथौड़ी के द्वारा काटा गया था पूरा पहाड़ और एक किलोमीटर का रास्ता बनाया गया था यहाँ पे, तो हम इसी में आ चुके हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का दिखता है, और ये जितना भी आपको कटा हुआ दिख रहा है ये इंसान की एक इंसान के द्वारा काटा हुआ दशरथ मांझी के द्वारा, जितना आपको दिख रहा है पहाड़ कटा हुआ ये एक बंदे के द्वारा काटा हुआ था। ये दशरथ मांझी जो काटे थे वो पहाड़ है और क्या, यार मजा आ रहा है, बड़ा खूबसूरत नजारा है, धूप है ना, बोलना कुछ नहीं रहा, हम लोग अपना हाय और क्या बोलना होता है, हाय गाइस, कुछ बोलो ना यार पहाड़ के बारे में, देखो पहाड़ मस्त नजारा है भाई, आओ पब्लिक को मजा ले लिया, कुछ बोलना है तो बोलो जल्दी, नहीं बोलो जबरदस्ती बोलो, थक गए हैं, थक गई है हाँ। और तुम्हारा क्या हाल चाल है, ये मेरा ब्लॉग है, ये हम हैं, थक गई, और तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा लगा आके, काजल, काजल नाम है, और कैसा फील हो रहा है अभी, अच्छा लग रहा है, तो ठीक है फिर यहीं पे छोड़ के चलते हैं तुमको, और क्या, नहीं अच्छा अच्छा लग रहा है ना तुमको, तो खाने पीने लाके दो, ठीक है जाऊंगी,
देखो यार नीचे नीचे रोड दिख रही है। मुझे मेरा भी खींच दो। ये हमारे दोस्त लोग हैं। ये हमारे दोस्त मानी पहाड़ है और ये हमारे सोनू भाई हैं। यस जो बात करने में डर रहे हैं। बात करने में डर रहे हैं। मजाक करना क्या बात है? अच्छा बात है तो अच्छा बात है। हमारे कॉलेज के टॉपर। नहीं 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 हमारा चेहरा कटा हुआ। सोनू सांड। सोनू सांड सांड नहीं है। ये सांड नहीं है। सांड हम लोग दशरथ मांझी वाले पहाड़ पे हैं। ये देखिए मेरे दोस्त लोग हैं। हाय करो हाय करो। हाय हाय तुम्हें करो सबको हाय करो। देख वहां तो हाय कर रही है। वहां से भी दो दो वहां से भी हाय कर रही है। चलो तो मस्त एक्सपीरियंस है ब्रो। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत झटका झटका मजा आ गया। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो कहूँगा सबको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है टूरिज्म बढ़ेगा हमारा और तुम लोगों का मन लगेगा। बहुत खूबसूरत सी जगह है। एकदम घूमो यहाँ मस्ती करो खाओ पियो एकदम बिंदास। जगह जगह ये दशरथ मांझी गहलोर घाटी में आए हुए हैं। ये गहलोर घाटी गया का है गया जिला में। ठीक है बहुत मस्त जगह है आने का। यहाँ पे एकदम मस्त पीछे का देखा पीछे का सी हम लोग मस्ती करने आए हैं। हम लोग दशरथ मांझी के पहाड़ पे हैं और ये लोग इंसान देखो। और ये एक और आ गई है। ये मेरे फ्रेंड्स भी छूट गई थी तो अभी आ रहे हैं। ठीक है ध्यान से देख लो जितने भी हो ये सब तुम्हारे सीनियर्स हैं। सीनियर बहुत रिस्पेक्टेड सीनियर्स। अब चलो नीचे आ जाओ। आप कहाँ पर हैं? आप सगले की कहाँ? कहाँ कहाँ रहता है? पीछे से आ जाओ। अरे जाओ, कहीं रहो। जंप कर। फोटो खींच के एनिलेट कर देना है।